नमस्कार मेरा नाम हिमांशु तिवारी स्वागत करता हूं आपका तारीख आज 13 जुलाई 2020 और आप देखना शुरू कर चुके हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स मैं हिमांशु तिवारी एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने लेकर के आर्ट एंड कल्चर का अगला टॉपिक आज का टॉपिक है जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो डांस तो आज हम पूरा कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं डांस के ऊपर कि डांस क्या है क्यों है इसके साक्ष्य हमको कब से मिलते हैं इन सब के बारे में आज हम पूरी कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं बात करेंगे कि भारत में कितने प्रकार के क्लासिकल डांस होते हैं कितने तरह के फोक डांसेस हैं सब पे हम चर्चा करेंगे देखिए सारे फोक डांसेस तो नहीं लेकिन जो इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं उनके ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लियर है इसके अलावा आज डांस के ऊपर आपको यह सब जानने के लिए मिलेगा कि हमारे पास डांस का सबसे पहले जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो क्या है अब कुछ लोग कहेंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता में डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है तो वहां से डांस होता है बिल्कुल होता है लेकिन हमें पता नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो डांस होता था वो किस प्रकार होता था उसकी शैली कौन सी थी ये हमें नहीं मालूम है हमें सिर्फ पता है कि डांस होता था एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली आज बात करेंगे शिव भगवान और पार्वती के डांस की कि उसके डांस को क्या कहते हैं इसके अलावा और भी हम मुद्दों पर आज चर्चा करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आप आज तक जो कथकली कुचिपुड़ी भरतनाट्यम ओडिसी सतरिया और भी जितने तरह के आपने डांस सुने हैं मोहिनीअट्टम उन सब पे आज हम चर्चा करने वाले हैं और इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे कि आने वाले समय में कोई सा भी सवाल किसी भी एग्जाम का आप नहीं आपसे नहीं चुकेगा आप उसको 100% परसेंट बना लीजिएगा इस चीज के साथ इसी आशा के साथ और इसी विश्वास के साथ आज हम इस लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं अच्छा लेक्चर शुरू करने से पहले दो तीन चीजें देख लो ये है वो डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो हमें मिली थी हड़प्पा से तो हमें लगता है कि जो डांस हमारे यहां है वो हड़प्पा कालीन होता होगा या बहुत पुराना होगा इट्स इंपॉर्टेंट ये क्या है ये इंपॉर्टेंट है तो हमको अगर कोई पूछे कि सबसे पुराने साक्ष्य कहां मिलते हैं तो आंसर क्या है उसका हड़प्पा अगर तुमसे कोई पूछे और यह मूर्ति तुम्हें शायद याद होगी यह नटराज की मूर्ति है और नटराज की मूर्ति के बारे में मैंने तुमको ए टू जेड चीजें बताई हैं एक बार फिर से मैं तुमको दोहराने की कोशिश करूंगा ज्यादा समय नहीं लेंगे एक बार बस मैं बताता हूं ताकि तुमको रिवाइजन हो जाए भगवान के हाथ में डमरू क्या दिखाता है कि मैं सृजन करता हूं भगवान के हाथ में आग क्या दिखाता है कि मैं नष्ट भी कर सकता हूं भगवान अभय मुद्रा में है क्या कर रहे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान का यह हाथ दिखा रहा है पैर की तरफ कि तुमको अगर मुक्ति चाहिए तो मेरे पैरों में आओ भगवान एक बच्चे के ऊपर नाच रहे हैं ऐसा लगता है ऐसा प्रतीत होता है वो बच्चा क्या है अहंकार है भगवान को कोई अहंकार नहीं दिखा सकता भगवान के जो बाल हैं जटाएं हैं ये क्या दिखाती हैं गंगा भगवान अर्ध नारीश्वर रूप में है इस कान में कुंडल और इस कान का कुंडल अलग अर्ध नारीश्वर रूप में है भगवान इसके अलावा यहां पर देखोगे तो तुम्हें ये सब चीजें दिखाई देंगी तो बोलेंगे कि भगवान हर कालांतर में मौजूद हैं हर काल में भगवान मौजूद हैं हर समय में मौजूद है तो ये भगवान शिव का जो नृत्य है जो तांडव है उसको दिखाते हुए ये मूर्ति है जिसको हम नटराज की मूर्ति कहते हैं तो आज इन सब टॉपिक पे बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे एकदम कंप्लीट आज हम इस पॉइंट को पढ़ने वाले हैं तो डू स्टे विद अस इंडियन डांस स्टार्ट कर रहे हैं मेरा नाम हिमांशु तिवारी है अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा एट द रेट एच लाइव है ये व्हाट्सएप नंबर है किसी को भी कोई डाउट है कोई पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं ये वो एग्जाम्स हैं जो मैंने अपने जीवन में क्वालिफाई किए हैं ये वो सारे एग्जाम्स हैं जो मैंने अपने जीवन में क्वालिफाई क्वालिफाई किए हुए हैं क्लियर है दोस्तों चलिए आगे देखिए अगर आपने अन अकेडमी नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो डू ज्वाइन इट दिस इज द कोड एचकेटी लाइफ सोचो देखो समय को बर्बाद मत करो मैं बार बार एक ही बात को दोहराता हूं वन ईयर की जो फीस है वन ईयर की जो फीस है आपके यहां पे एम पी पी एस सी की वो कितनी है तिरसठ सौ रुपए और दो साल की जो फीस है वो कितनी है सात हजार पांच सौ साठ रुपए बहुत कम इट्स मिनिमम कॉस्ट ठीक है इससे कम कॉस्टिंग में अगर आपको शिक्षा मिल रही है तो ये एक तरह से सेवा है क्या है एक तरह से सेवा है ठीक है इतने कम में आपको जो क्लास मिल रही है ना जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है उसकी कीमत बहुत है मैं तुम्हें एक बात बताता हूं तुम अगर मार्केट में ना सिर्फ नोट्स लेने जाओगे ना सिर्फ नोट्स तो अगर किसी ठीक ठाक संस्थान से भी खरीदोगे ना तो मिनिमम वो दस से पंद्रह हजार रुपए के सिर्फ नोट्स लगेंगे ठीक है और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज का पैसा अलग क्लास का पैसा अलग नोट्स का पैसा अलग बैग का पैसा अलग खरीदते रहो क्लियर है तो यू विल मतलब आपको एक डेढ़ लाख रुपए लग जाएगा सिर्फ एमपीपीएससी की कोचिंग करने में सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं होगा फैकल्टी अच्छे मिलेंगे नहीं मिलेंगे कुछ नहीं पता लेकिन आपके पास यहां पर डेमो उपलब्ध है समय को बर्बाद मत करिए मैं एक बार फिर बोल रहा हूं यूज दिस कोड एच गेट टेन परसेंट डिस्काउंट खुद भी यूज कर सकते हैं दूसरों को भी बता सकते हैं चलो डांस के बारे में अब हम चर्चा करेंगे बहुत कंसंट्रेट हो जाना कॉपी और पेन लेके बैठना मैं जो भी बोल रहा हूं ना उसको नोट डाउन करना ठीक है डोंट वेस्ट योर टाइम अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है मैं आपको एकदम स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूं और एकदम कंप्लीट आप नोट्स भी बना लीजिए देखो डांस है क्या डांस के अगर बारे में मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज डांस नृत्य क्या है तो डांस क्या है इट्स मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है जैसे हम बोल रहे हैं कुछ तो ये क्या है मैं आपसे बात कर रहा हूं इट्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन उसी प्रकार से नृत्य भी एक तरह से क्या है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बातचीत करने का एक आधार है अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने का एक आधार है इसके कई रूप हो सकते हैं उन रूपों पे हम चर्चा बिल्कुल करेंगे भारत में अगर तुम पूछोगे कि हमारे यहां डांस का उदय कब होता है तो मैं सीधे बोल दूंगा कि हमारे यहां पांच छह हजार साल पहले होता है जब हमको मूर्ति मिली थी हड़प्पा से जो मैंने आपको पहले ही दिखाई जिसको हम बोलते हैं क्या नर्तकी की मूर्ति या डांसिंग गर्ल इसके अलावा और अगर तुमसे कोई पूछे कि हमारे यहां नृत्य का साक्ष्य कब मिलता है तो मैं तुमसे कहूंगा कि हमारे यहां एक प्रथा होती थी देवदासी प्रथा उसमें क्या होता था बहुत सारी महिलाएं जो शादी नहीं करती थी वो मंदिरों में रहा करती थी और वहां पे नृत्य हुआ करता था वो भगवान की सेवा में लगी रहती थी तो मैं कहूंगा कि हमारे यहां नृत्य का उदय यहां से माना जाता है देवदासी प्रथा से भी हमारे यहां नृत्य का उदय माना जाता है क्लियर दूसरा पॉइंट तो ये डिवाइन ओरिजिन ये दैवीय ओरिजिन क्लियर इसके अलावा और बात क्या करेंगे जो हम पेंटिंग्स देखते हैं अजंता की एलोरा की ये सब दिखाती हैं या खजुराहो की जो आपने स्कल्पचर्स देखे हैं जो मंदिरों पे बना हुआ है वो बताता है कि हमारे यहां नृत्य का उदय बहुत प्राचीन काल से है प्राचीनतम बोल सकते हो अगर मैं और बात करूं तो हमारे यहां नटराज की जो मूर्ति मिलती है बताइएगा किन राजाओं के समय वो बनी थी नटराज की जो मूर्ति मिलती है जिसमें भगवान शिव का नृत्य है और बेसिकली हम इसको तांडो मुद्रा या तांडो नृत्य के नाम से जानते हैं तो हम कहेंगे कि हमें यहां से उदय मिलता है किसका नृत्य का तो अगर तुमसे कोई पूछे कि नृत्य का उदय कहां से होता है तो तुम लिख सकते हो पांच हजार साल पहले हड़प्पा वाली मूर्ति उसके बाद देवदासी प्रथा उसके बाद अजंता एलोरा की गुफाएं वहां पर भी हमको वो साक्ष्य मिलते हैं और उसके बाद अगर रीसेंट की कोई बात करेगा तो जो नटराज की हमें मूर्ति प्राप्त होती है उसमें इसका जिक्र मिलता है आशा करता हूं कि आपको यह पॉइंट जरूर क्लियर हुआ होगा कि हमारे यहां पे डांस या नृत्य का उदय कहां से होता है कहां से साक्ष्य मिलते है? चलो आगे देखेंगे हमारे यहां एक ऋषि हुए ठीक है हमारे यहां एक ऋषि हुए जिन्होंने जिनका जिन जिन नाम सबसे पहले समझ लो उनका नाम था भरत मुनि भरत मुनि ने एक किताब लिखी उस किताब का नाम जानते हो क्या था नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने एक किताब लिखी जिसका नाम था नाट्य शास्त्र और इसी नाट्य शास्त्र के आधार पर भारत में करीब आठ क्लासिकल नृत्य हैं या शास्त्रीय नृत्य बोल सकते हो वो इन्हीं आधार पर चलते हैं आठ शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र के आधार पर चलते इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं एक को कहते हैं लस्य एक को क्या कहते हैं लस्य और दूसरा क्या होता है तांडव तो तुम्हें यह तो समझ में आ गया है कि तांडव क्या है थोड़ा गुस्सैल नृत्य है और यह कौन करता है पुरुष भगवान शिव करते हैं कौन सा नृत्य तांडव नृत्य कौन सा नृत्य तांडव नृत्य और अगर मैं बात करूं लक्ष्य की तो यह मां पार्वती करेंगी लश्य जो महिलाओं का नृत्य है जिसमें ग्रेस रहेगा जिसमें खूबसूरती रहेगी जिसमें भाव रहेगा जिसमें इमोशन नजर आएगा तुमको प्रॉपर प्रेम का इमोशन नजर आएगा लेकिन तांडव में तुमको ये सब इमोशन नजर नहीं आएगा तांडव भगवान शिव का नृत्य उसमें गुस्सा नजर आएगा तुमको तो दो तरह के पार्ट्स हो गए जिनसे मिलके बनता है क्या क्लासिकल डांस या क्लासिकल नृत्य उसके दो पार्ट कौन कौन सा एक को कहते हैं हम लस्य और दूसरा होता है तांडव लस्य पार्वती तांडव भगवान शिव क्लियर है लश्य। और लस्य में क्या रहेगा मैंने आपको बताया ग्रेस रहेगा, भाव है रस है इसमें एक तरह का अभिनय है बेसिकली ये फेमिनाइन फीचर दिखाता है महिलाओं वाला जो फीचर है वो दिखाता है और तांडव पुरुषों का फीचर दिखाता है गुस्सेल डांस क्लियर है आशा करता हूं कि ये दो पार्ट तुमको क्लियर हुए लक्ष्य और तांडव क्लियर है बाबू कोई डाउट तो नहीं है किसी को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मजा आएगा तुमको पढ़ने में आनंद आ जाएगा डांस पढ़ने में क्लियर है इसके बाद तुम नृत्य देखोगे तो चार लोगों को बता सकते हो कि इसमें कौन सी भाव भावभंगीमाएं चल रही हैं ये किस प्रकार का नृत्य है और सब कुछ आगे देखो नाट्य मुनि और भी बहुत सारी चीजें लिखते हैं सॉरी नाट्य मुनि नहीं भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में बहुत सारे भावभंगिमाओं की भी बात की है तो उतने डिटेल में नहीं जाएंगे मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बताऊंगा जैसे श्रृंगार रस होता है प्रेम का प्रतीक है हास्य रस यूमर करुणा रौद्र भयंकर गुस्सा वीर रस हेरोइक है ना अद्भुत वंडर विभत्स और शांत इतने तरह के रस होते हैं नौ तरह के रस होते हैं जो कि आप डांस के माध्यम से लोगों तक प्रस्तुत कर सकते हो नोटिंग डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट नौ तरह के रस होते हैं जो तुम लोगों तक प्रस्तुत कर सकते हो डांस के माध्यम से कौन कौन से हैं श्रृंगार हास्य करुणा रौद्र भयंकर वीर अद्भुत विभत्स और शांत ये नौ तरह के रस हैं जो आप कर सकते हैं। आगे देखो अब हर डांस को करते वक्त कोई सा भी अगर तुम नृत्य कर रहे हो बाबू तो उसमें बनती हैं क्या मुद्राएं उन मुद्राओं का बहुत उपयोग है और उसका बहुत महत्व होता है उन मुद्राओं पर अगर मैं चर्चा करूं तो भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र में मुद्राएं बनाई हैं या जो बताई गई हैं वो 108 फंडामेंटल मुद्राएं हैं आप तुम कुछ भी मुद्रा बना सकते हो तुम सर के ऊपर ऐसा चिड़िया बिठा लो ये भी एक मुद्रा है है ना तुम ऐसे कर लो ये भी एक मुद्रा है तो तुम हजारों तरह की मुद्राएं बता सकते हो लेकिन अगर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर जाओगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 108 फंडामेंटल मुद्राएं तुमको देखने के लिए मिलेंगी क्लियर है उसमें तुमको 108 सौ आठ फंडामेंटल जो 108 बेसिक मुद्राएं हैं वो तुमको देखने के लिए मिलेंगी मुद्राएं क्लियर है अब आगे आओ एक किताब है जो कि एक ऋषि थे जिनका नाम था नंदिकेश्वर क्या नाम था नंदकेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करते रहना ना नंदकेश्वर नाम था उनका और उन्होंने किताब लिखी उसका नाम था अभिनय दर्पण उसका नाम क्या था अभिनय दर्पण उन्होंने कहा कि अगर हम बात करें डांस की एक्ट की तो ये बेसिकली हम तीन बेसिक फीचर्स में डिनोट करते हैं तो बोल सकते हो कि जैसे ड्रामा होता है ना ड्रामा ड्रामा में क्या होता है डांस भी होता है और इमोशन भी होता है और कहानी भी चलती है तो उसको उन्होंने कहा कि एक कहानी अगर तुम बता रहे हो डांस के माध्यम से तो वो तुम कैसे बताओगे तो उसको उन्होंने टोटल तीन पार्ट्स में बांटा है पहले को कहा उन्होंने नृत्य याद रखिएगा नृत्य नहीं है ये, नृत्य नहीं है नृत्य है ये। ठीक है तो नृत्य बेसिकली एक तरह का सिंपल स्टेप है ठीक है जैसे ये देख सकते हो तुम बोर्ड पर ये बेसिकली क्या है एक तरह का बहुत सिंपल सा स्टेप है जो कि ये लड़की कर रही है इसमें तुमको भाव भंगिमाएं नजर नहीं आएंगे इसके चेहरे पर तो देर इज नो इमोशन सिंपल सा रदमिक परफॉर्मेंस है चेहरे पे कोई इमोशन नहीं है इमोशन लेस गंधार वाले बुद्ध याद कर लो क्लियर है तो नो एक्सप्रेशन इमोशन बिल्कुल है नहीं यह है नृत्य सिर्फ मूवमेंट है इमोशन नहीं है क्या कह रहे हैं उसको नृत्य दूसरा आता है नृत्य वो था नृत्य दूसरा है क्या नृत्य इसमें अगर तुम देखने की कोशिश करो तो तुमको थोड़ा सा हाथों का मूवमेंट समझ में आएगा मूवमेंट शरीर के मूवमेंट के साथ साथ हाथों और पैरों का भी मूवमेंट इसमें तुमको समझ में आएगा चेहरे पर हम एक्सप्रेशन की बात उतनी ज्यादा नहीं करते तो देखो अगर हाथों का मूवमेंट है तो वो बोलते हैं बेसिकली क्या हस्त मुद्रा और अगर फेशियल एक्सप्रेशन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अभिनय ठीक है सेंटिमेंट तो सब को जोड़कर नृत्य और नृत्य को जोड़कर होता है क्या नाट्य तो एक तरफ आपका बॉडी मूवमेंट है दूसरी तरफ आपका बॉडी का मूवमेंट है थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन है इन दोनों को जोड़ दिया आपने और ये बनता है क्या नाट्य जिसमें आप डांस के माध्यम से पूरी की पूरी कहानी का वर्णन कर रहे हैं वो भी बिना बोले म्यूजिक और शरीर के मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन को दिखाते हुए एक पूरी कहानी हमको बताना किसी दर्शकों को बता देना ये क्या है ये नाट्य है तो टोटल तीन पार्ट्स हो गए नृत्य 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 और नाट्य क्लियर है आगे बढ़ेंगे अब बात करेंगे हम लोग इंडियन क्लासिकल डांस की तो क्लासिकल डांस शुरू करने से पहले बाबू तीन चीजें तुम नोट डाउन कर लेना आठ तरह के क्लासिकल डांस होते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे अभी। लेकिन क्लासिकल डांस बेसिकली तीन रूल्स पर गवर्न होते हैं पहला है नाट्य शास्त्र एग्जाम में पूछेगा किसने लिखी किताब बता देना भारत मुनि ने लिखी है किसने लिखी है भरत मुनि ने लिखी है दूसरी चीज इसमें चाहिए गुरु और शिष्य की परंपरा आपको एक गुरु चुनना पड़ेगा और तब जाके आप सीख पाएंगे तो गुरु और शिष्य की परंपरा फिर आप सीख जाएंगे फिर आप गुरु बन जाएंगे फिर आप किसी और को सिखाते रहिएगा क्लियर है संगीत नाटक एकेडमी 1952 में स्टैब्लिश की गई थी सरकारी संस्था है भारत सरकार द्वारा और यही रेगुलेट करती है जैसे क्लासिकल डांस है तो यही बताएगी कि कौन सा क्लासिकल डांस है ठीक है तो ये तीनों चीजें चलाती हैं किसको क्लासिकल डांस को तो ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स आगे देखो भारत में टोटल आठ तरह के क्लासिकल डांस होते हैं प्लीज टेक द स्नैपशॉट ऑफ इट रट लो समझ लो जो करना है कर लो लेकिन तुमको ये याद होने चाहिए भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश कथकली केरल मोहिनीअट्टम केरल ओडिसा ओडिसी ओडिसा मणिपुरी मणिपुर कथक यूपी सतरिया असम। टोटल आठ तरह के क्लासिकल डांस इसको आप याद कर लीजिए प्लीज रिमेंबर इट स्नैपशॉट ले लो और इसको रट लो इसको स्नैपशॉट ले लो और इसको रट लो ठीक है अगले पॉइंट पे चलो तो ये तो था क्या क्लासिकल डांस जो कि भारत में होते हैं कितने हैं आठ अब पहला क्लासिकल डांस के बारे में हम बात करेंगे जो कौन सा है भारतनाट्यम तमिलनाडु बहुत ध्यान से सुनना तुमको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तुम बस एक बार देख लो लेक्चर कुछ भी तुमको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है एक बार देखोगे सब लिख डालोगे ठीक है भारतनाट्यम दुनिया के या भारत के सबसे ओल्डेस्ट जो क्लासिकल डांस है उनमें से एक है भरतनाट्यम के बारे में कहा जाता है कि जो भरतनाट्यम डांस है यह भरत मुनि के नाम से आया है किसके नाम से आया है भरत मुनि के नाम से आया है कुछ लोग इसके बारे में और भी बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं कुछ लोग कहते हैं कि ये बेसिकली जैसे मैंने आपको देवदासी प्रथा बताया था कि बहुत सारी महिलाएं जो शादी नहीं करती थी मंदिरों में रहा करती थी भगवान की सेवा में उनके द्वारा यह डांस उत्पन्न हुआ है और उसके बाद बाहर आया है खैर बहुत सारे इतिहासकार इस बात से एकमत नहीं है तो हमें उससे कुछ करना नहीं है हमको सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है तो आप भरत नाट्यम भरत मुनि लिख लो ठीक है आगे देखिए पहले ये बेसिकली एक तरह से वही जैसे मान लो मंदिरों का डांस था या घरेलू डांस हुआ करता था या उतना प्रचलित नहीं था ठीक है तो ई कृष्ण अय्यर नाम के एक व्यक्ति हैं ये एक फ्रीडम फाइटर थे बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे इन्होंने इस डांस को मंदिरों से निकाला घरों से बाहर निकाला बाहर इसका जो है रिप्रेजेंटेशन किया इसके स्टेज शो शुरू हुए तब जाके भारतनाट्यम इतना फेमस हुआ आज की डेट में इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो तुमको पता होने बहुत जरूरी हैं पहला ये महिलाओं का डांस है इसको पुरुष नहीं करते हैं ये किसका डांस है ये महिलाओं का डांस है इसको पुरुष नहीं करते अब तुमसे पूछेगा कि इसकी थीम क्या रहेगी बेसिकली तो ये बेसिकली एक रिलीजियस थीम पर होता है दूसरी पॉइंट इसमें ये है कि ये लोअर बॉडी मूवमेंट जैसे तुम ये तस्वीर देख पा रहे हो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये महिला का जो ऊपर का पोस्चर है इस महिला का जो ऊपर का पोस्टर है वो एकदम सीधा है अगर तुम ध्यान दो तो ये वाला पोर्शन एकदम सीधा है और अगर मैं यहां से देखूं तो ये एक ट्रायंगल शेप में बन रहा है क्या ध्यान से समझने की कोशिश करना इतना भी आसान नहीं है लेकिन बहुत आसान है ये वाला पोर्शन क्या सीधा है पीट्स ये अपर बॉडी जो मूवमेंट है वो एकदम स्ट्रेट है ज्यादा मूवमेंट नजर नहीं आएगा सिर्फ हाथों हस्त मुद्रा और फेशियल एक्सप्रेशन नजर आएगा लेकिन जो लोअर बॉडी मूवमेंट है वो तुमको यहां पर बहुत अच्छे से नजर आएगी ये यहां पर क्या फॉर्म कर रहा है ट्रैंगल फॉर्म कर रहा है क्लियर है ये हो गया क्या लोअर बॉडी मूवमेंट आगे देखो ये हो गया लोअर बॉडी मूवमेंट ये हस्त मुद्रा तो तुम महिला के हस्त मुद्राएं देख सकते हो बता चुका हूं ऑलरेडी मैं और फेशियल एक्सप्रेशन तो इसमें चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुमको याद रखनी है इसमें महिलाएं करती हैं अकेली महिला सोलो परफॉर्मेंस है ये लोअर बॉडी मूवमेंट नीचे जो ट्रेंगल बना हुआ है शेप डू रिमेंबर दस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंगल शेप बना रहे हैं पैरों से ठीक है तीसरा क्या है हस्त मुद्रा और चौथा क्या है फेशियल एक्सप्रेशन ये इंपॉर्टेंट है चार पॉइंट जो तुमको याद होने चाहिए डांस का बेसिकली जो थीम होता है वो रिलीजियस थीम होता है और इसमें तुम देखोगे तो दोनों का तुमको मिक्सर मिलेगा किसका तांडव का और लस्य का तांडव कौन करता है भगवान शिव और लस्य महिला फेमनाइन स्ट्रक्चर पार्वती की हम बात करते हैं तांडव एक तरह से तुम बोल सकते हो पुरुषों को रिप्रेजेंट करता है और जो फेमनाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है महिलाओं का वो क्या है वो लस्य है वो क्या है वो लस्य है ठीक है तो इसमें मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो कौन सी मुद्रा है तो इसमें बोलते हैं कथक हस्त मुद्रा ये लड़की देखोगे तो तुमको कथक हस्त मुद्रा बनाते हुए नजर आएगी इसमें बनाते हैं क्या हम ओम इसमें क्या बनाते हैं ओम बनाते हैं तुम ध्यान से देखो इसको इसके स्ट्रक्चर को देखो एक बार अब तुमको नजर आए चाहे ना आए वो अलग चीज है लेकिन यह हस्त मुद्रा है कुछ ओम जैसा दिख रहा है क्या तुमको थोड़ा बहुत भी दिख रहा होगा तो चलेगा देखो ये ओम का स्ट्रक्चर है क्या है, इनके हाथ में हस्त मुद्रा में ओम बनेगा इंपॉर्टेंट कथक हस्त मुद्रा याद रख लेना लिख लेना एग्जाम में पूछेगा कि यह कथक मुख हस्त किस में बनाया जाता है चार ऑप्शन दे देगा तुमको पता होना चाहिए ओम पूछ लेगा तो इसलिए मैं बता रहा हूं नाट्यम कटक मुख हस्त मुद्रा आगे देखो नाट्यम को कहते हैं कि ये फायर डांस है फायर डांस मतलब तुम अपने अंदर की जो गर्मी है जो आग है उसको बाहर निकाल रहे इसलिए इसको कहते हैं कि बेसिकली इट इज अ फायर डांस बेसिकली इट इज अ फायर डांस आगे देखो इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जिन लोगों ने भरतनाट्यम को आगे बढ़ाया है यामिनी कृष्णमूर्ति लक्ष्मी विश्वनाथम पद्म सुब्रमण्यम मृणालिनी सारा और मल्लिका सारा अब एक विक्रम सारा थे हमारे यहां पे उनके परिवार के लोग हैं उनकी बहन और उनकी पत्नी ठीक है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कौन उनकी बहन है कौन उनकी पत्नी है मृणालिनी सारा और मल्लिका सारा प्लीज रिमेंबर इट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छा ये मुद्राएं हैं अब इतनी सारी मुद्राएं हैं तो मैं ये तुम्हें बता रहा था ये वाली मुद्रा की बात कर रहा था मैं कतक हस्त मुद्रा ठीक है तो देखो वो महिला ने यही वाली मुद्रा बनाई हुई थी क्या ध्यान से देखो तो वो इसको बोलते हैं क्या कतक हस्त मुद्रा कौन सा है ये ओम बनाया गया है इसमें क्लियर है आगे बढ़ेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है इसमें तो देखो अब हम लोग बात करेंगे ड्रेस की ठीक है अभी तक तो हमने बात कर लिया इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातों की अब थोड़ा सा बात करो ना ड्रेस की इस को ध्यान से देखो से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है जितने तरह के डांस होंगे ना उसमें कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इनके सर पे सजावट देखो सर पे क्या पहना हुआ है गले में हार देखो गले में कितने सारे हार पहने हुए हाथों में कंगन यहां पे देख सकते हो इसको शायद बाजू बंद कहते हैं इसको बाजूबंद कहते हैं जो कि कमर में पहना गया है इसको क्या कहते हैं बाजूबंद कहते हैं और अगर तुम देखोगे तो ये साड़ियों का स्ट्रक्चर देखो तुम ध्यान से इसमें सिल्ट वाली बोलते हैं अंग्रेजी में तो इसको सिल्ट बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं एक बार देख सकते हैं आप इसमें सिल्ट वाली खाड़ियां ना यहां बीच बीच में ऐसा ऐसा पट्टेदार बना रहता है ये ठीक है इसको अंग्रेजी में सिल्ट वाली साड़ियां बोलते हैं ठीक है इसको क्या बोलते हैं सिल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं साड़ियों का ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर भी तुम देख सकते हो ये ये सिल्ट स्ट्रक्चर है किसका साड़ियों का तो प्लीज डू रिमेंबर इट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं तुमको बता रहा हूं ठीक है ये बाजूबंद ये पूरी सजावट जो चेहरे की ये जो जेवर पहन रखे हैं जो हाथों में पहन रखे हैं जो कपड़े हैं ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी पहन के भरतनाट्यम कर लोगे है ना जैसे मैं अभी कुछ कपड़े पहना हूं या जो आप घर में कपड़े पहने वो पहन के आप भरतनाट्यम नहीं कर सकते ठीक है उसका एक प्रॉपर ड्रेस होगा उसका एक प्रॉपर ड्रेस होगा तो ये ड्रेस है वो ठीक है ये वो पूरी ड्रेस है ठीक ये ड्रेस अब मुझे लगता है कि तुमको समझ में आ गया होगा ड्रेस में क्या क्या लगता है एक चीज अगर तुमने नोट डाउन की हो तो इस वाली तस्वीर में भी तुम देखोगे सॉरी इसमें तो नहीं इसमें देखो इसमें देखो।, इस देखो पग बांध मीरा नाचे घुंगरू बंधे हुए हैं क्या घुंगरू बंधे हुए हैं अब इसमें तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन इसमें देखो घुघरू बंधे हुए हैं भरतनाट्यम में घुंगरु बहुत इंपॉर्टेंट है समझ रहे हो भरतनाट्यम में घुंगरू बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तो पहले ही क्लासिकल डांस है बाकी के सारे देखेंगे तो और मजा आएगा तुमको ठीक है तो देखो यहां पे क्या क्या लगेगा यहां पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या सिल्क साड़ी तो साड़ी कैसी होनी चाहिए भैया सिल्क साड़ी लगेगी ठीक है सिल्क साड़ी लगेगी गोल्ड एम्ब्रॉयडरी देखा होगा आपने जो कपड़े हैं बेसिकली उसमें सोना चांदी वगैरह बहुत सारा चीजें जड़ी गई है ना नेकलेस गले में नेकलेस हाथों में चूड़िया ठीक है और ऑर्नामेंट जो सर था उसके ऊपर भी एक सजाया गया था हेड गियर बोल सकते हो उसको आप ठीक है इसके अलावा घुंगरू चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है घुंगरू ठीक है अब एक मैंने तुमको दिखाया था जो बॉडी मूवमेंट है ना वो लोअर बॉडी मूवमेंट लगेगा जिसमें ट्रेंगल बना हुआ था पैरों से क्लियर है जिसमें पैरों से क्या बना हुआ है ट्रेंगल बना हुआ है ठीक है

जो डांस है बेसिकली ये जो कर्नाटिक म्यूजिक होता है ना या कार्नेटिक म्यूजिक बोलते हो वो कार्नेटिक म्यूजिक इसमें हमेशा बजता रहेगा तो कार्नेटिक म्यूजिक के साथ होता है क्या नाट्यम प्लीज नोट इट डाउन इसमें कौन सा म्यूजिक लगता है कार्नेटिक म्यूजिक क्लियर है चलो तो ये तो था भरतनाट्यम दूसरे पे आओ दूसरा है कुची ठीक है दूसरा क्या है कुचि तो कुचिपुड़ी में क्या है भाई देखो तो कुचिपुड़ी बेसिकली आंध्र प्रदेश में एक गांव था जिसका नाम था कुसेलवा ठीक है तो कुसेलवा के जो ब्राह्मण थे ना वो अलग अलग गांवों में जाकर के इस तरह का कथा कहानी सुनाया करते थे तो बेसिकली वो इसी से फैला ठीक है तो शुरुआत में ना इसको करते थे मेल ब्राह्मण कुचिपुड़ी कहां का हो गया आंध्र प्रदेश का गांव कहां से कुसलवा तो ये कुसलवा से निकला है कुचिपुड़ी ठीक है कुसलवा से निकला है कुचि कुसलवापुरम या कुचेलापुरम कुसलवा देख सकते हो तुम यहां पे कुसलवापुरी या कुचेलवापुरम से निकल गया है कुचिपुड़ी ठीक है सत्रहवीं शताब्दी में एक सिद्धेंद्र योगी नाम का एक व्यक्ति था तो इसने इसके कुछ रूल्स वगैरह बनाए इसको सिस्टमाइज किया कि कौन से कपड़े पहनने हैं कौन कौन सी मुद्राएं उपयोग होंगी किस तरीके से हम इन डांसों को करेंगे तो सिद्धेंद्र योगी आंध्र प्रदेश का रहेगा क्लियर है आगे देखो तो शुरुआत में इसको जो करने वाले थे वो थे मेल ब्राह्मण करने वाले कौन थे मेल ब्राह्मण इसको किया करते थे शुरुआत में फिर धीरे धीरे धीरे-धीरे धीरे बेसिकली चेंज हो गया आज की डेट में ठीक इसमें कहानी बताई जाती है जानते हो किसकी भागवत पुराण की ठीक है भागवत की जो है इसमें कहानी बताई जाती है मैंने लिख दिया है एग्जाम में सीधा सवाल आएगा तुम मार देना पूछेगा कि भागवत पुराण की कहानी निम्नलिखित में से किन क्लासिकल या शास्त्रीय नृत्यों में बताई जाती है आंसर क्या है उसका कुचिपुड़ी आंसर क्या है उसका कुचिपुड़ी ड्रेस देखो तुम अब ड्रेस देखो एक बार ध्यान से देखो ड्रेस किस तरीके से गले में हार है बैंगल्स चूड़ियां ठीक है इसके अलावा माथे पे जो पहना हुआ है, है ना इसके अलावा तुम यहां पे बाजू बंद देख सकते हो है ना साड़ियां देखो कैसे सिल्ट वाली यहां पे गोल्ड का काम दिख जाएगा तुमको है ना ठीक हाथों में देखोगे तो तुम्हें हाथों में भी बहुत सारी चीजें पहनी हुई दिख जाएंगी इट्स कुचिपुड़ी और क्या चीजें कुचिपुड़ी में ना कुछ चीजें होती हैं जैसे देख सकते ये जो लड़की है बेसिकली ना ये थाली है अगर तुमको नजर आ रहा है ये थाली है ये क्या है ये थाली है एक थाली के ऊपर डांस हो रहा है और तुम देखोगे कुछ कुछ में तो थाली पे पैर रखा हुआ है लेकिन सर पे मटकी रख लिया या दिया रख लेते हैं कभी कभी क्या रख लेते हैं दिया रख लिया मटकी रख लिया तो ये सब कुचीपुड़ी के कुछ पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं तुमको बताता हूं ठीक है वो मैं तुमको बताता हूं ध्यान से देखो बाल सरस्वती और रागिनी देवी नामक दो लोग थे इन्होंने इस डांस को रिवाइव किया ठीक है इसमें श्रृंगार रस का प्रीडोमिनेंस है ना श्रृंगार रस तुमको मिलेगा इसमें बहुत ज्यादा श्रृंगार रस मिलेगा अब इसमें सोलो एलिमेंट है जैसे मंडुक शब्दम मंडुक शब्दम तो एक जो मेंढक है मंडुक मतलब मेंढक मेंढक की कहानी बताई जा रही है किसकी कहानी बताई जा रही है मेंढक की क्या बोलेंगे उसको मंडुक शब्दम दूसरा होता है तरंगम दूसरा होता है क्या तरंगम तो ये तरंगम है क्या है तरंगम है पैरों के नीचे थाली सर पे मटकी या दिया इट्स तरंगम गिरना नहीं चाहिए कुछ भी तो ये क्या है तरंगम है ठीक है बैलेंस करना होता है सर पे वो पानी का पॉट और पैरों में क्या पैरों में जो थाली है उसके ऊपर दोनों को बैलेंस करना होता है बहुत कठिन डांस है आसान नहीं है आगे क्या है जल चित्र नित्यम तो जल चित्र नित्यम जानते हो क्या होता है वो तुमको ऐसा लगेगा कि ये जो मूवमेंट है ना ये जो चल रही है तो ऐसा लगेगा कि ये कुछ न, चित्र बना रही है स्टेज के ऊपर स्टेज के ऊपर चलते हुए कुछ चित्र बना रही है तो उसको क्या बोलते हैं जल चित्र नृत्यम नृत्यम ठीक है तो ये हो गया अब इसके फेमस जो न, लोग हैं कौन कौन है राधा रेड्डी रेड्डी यामिनी कृष्णमूर्ति यामिनी कृष्ण मूर्ति याद रखना और इंद्रानी रहमान बहुत इंपॉर्टेंट है इंद्रानी रहमान इंद्रानी रहमान बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये होगा दो कौन कौन से बोलो भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी आगे देखो अब बात करेंगे क कली क्या बोलेंगे कथ कली देखो दो तरह के डांस थे पहले एक था रामअम दूसरा था कृष्णअट्टम रामअम से क्या मतलब रामअम मतलब भगवान राम की कहानी और कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण की कहानी सुनाते थे तो दो अलग अलग तरह के डांस फॉर्म थे एक में भगवान राम की कहानी सुनाते थे दूसरे में भगवान कृष्ण की तो एक को कहते थे राम अट्टम, दूसरे को कहते थे अट्टम, तो उसी से निकल के बना क्या कथ कली दोनों को जोड़ दिया गया और बोल दिया गया इट्स अ कथ कली तो स्टार्टिंग में ये केरल का है डांस है ना फ्यूडल लॉर्ड जो थे सामंत थे उन्होंने इसको जो है बहुत सारा पेट्रोनेज दिया इसका संरक्षण किया और काफी हद तक उनके समय में फला फूला तो वही रामायण और महाभारत के ये स्टार्टिंग के जो चीजें थी उसको ये धीरे 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 बताया करते थे ठीक है महाभारत की कहानी रामायण की कहानी ये इसमें बताया करते थे कथकली एक आर्ट फॉर्म ऐसा था जो धीरे धीरे खत्म होने लग गया ठीक है अब तुम देखो ये जो आ, फोटो तुम देख रहे हो बेसिकली ये कथकली का टिपिकल स्ट्रक्चर है चेहरे पे तुम देखो यहां पे

इसके अलावा तुम इनका पूरा कपड़ा देखो इनकी जो पूरी ड्रेस है वो कितनी इंपॉर्टेंट है अभी हम उस पर चर्चा करेंगे अब जिस तरीके से ये जो डांस फॉर्म था वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा चीजें खत्म होने लगी तो 1930 में एक मलयाली पोएट थे जिनका नाम था वी एन मिनन। और मुकुंद मुकुंद राजा उनके अंडर में जब ये आया तो इन्होंने उसको काफी रिवाइव किया ठीक है ध्यान रखिएगा यह सोलो परफॉर्मेंस नहीं है अभी तक जो तुमने देखा था दोनों के दोनों भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी बोथ आर सोलो परफॉर्मेंस लेकिन यह क्या है मेल परफॉर्मेंस है इसमें महिलाएं नहीं होती हैं ये मेल है फीमेल नहीं है सारे के सारे मेल करते हैं कथकली ठीक है और यह सोलो नहीं है यह डुएट होता है मतलब कम से कम दो तीन लोग होते हैं स्टेज पर ठीक है वो इसको करते हैं अब कथकली में बेसिकली जो मूवमेंट है वो तो है ही है और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं उसमें हम देखेंगे अच्छा यहां पर देखो ध्यान से ये है वीएन मेनन ठीक है ये कौन है ये वीएन मेनन है तुम देखो इनके नाम पे डाक टिकट जारी हुआ है क्या जारी हुआ है डाक टिकट यहां देखो यहां पे कथकली वाला ये भी बना हुआ है है ना और ये है वीएन मेनन तो इनके नाम पे डाक टिकट भी जारी हो रखा है तो तुम्हारे याद करने में आसानी रहेगी चलो अब यहां पर सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना वो मेकअप का यूज होता है मेकअप का जो है बहुत ज्यादा यूज होता है तो मेकअप का यूज किस लिए होता है अलग अलग चीजों को सिंबलाइज करने के लिए कैसे जैसे इनके इसके चेहरे पे देखो हरा कलर है क्या तो हरा कलर मतलब क्या रिचनेस है डिसेंसी है रेड कलर मतलब दबा देगा तुमको है ना मजबूत आदमी इस तरीके से बोल सकते हो डोमिनेंस दिखा रहा है करिया कलर मतलब ब्लैक कलर मतलब इविल दुष्ट आदमी या दुष्ट जो भी हो सकता है समझ तक येल्लो कलर मतलब किसके लिए होता है येलो कलर अगर किसी ने चेहरे पे पोता हुआ है इसका मतलब वो किसी महिला का रोल निभा रहा है किसी ने काला कलर पोता शैतान का रोल निभा रहा है ठीक है लाल कलर मतलब वो किसी समाज में बड़े आदमी का रोल निभा रहा है ठीक है अब तुम इनके चेहरे पे देखो ग्रीन कलर भी है थोड़ा सा येल्लो कलर भी है थोड़ा सा रेड कलर भी है है ना अलग अलग तरीके का कलर है अब देखो तुम यहां पर अभी हम और आगे आएंगे कथकली में एक तरह का लैंग्वेज जिसको बोलते हो आप मनी प्रवालम तो मनी प्रवालम इज अ मलयालम और संस्कृत तो मलयालम केरला में बोली जाती है और संस्कृत इन दोनों को मिक्स करके बनाया गया मनी प्रवालम तो इसके गाने बजाए जाते हैं ठीक अभी वो दोनों थे पहले कौन से थे कार्नेटिक म्यूजिक वाले थे इसमें कौन सा मनी प्रवालम चल रहा है ठीक है इसमें आईब्रोज आईब्रोज का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है ठीक है किसका मूवमेंट ज्यादा होता है आईब्रोज का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है और जो कथकली है बेसिकली ये किसको दिखाता है स्काई और ईथर को स्काई आकाश को रिप्रेजेंट करता है ठीक है इसमें फेमस पर्सन कौन कौन से हैं गुरु कुंचू कुरुप गुरु गोपीनाथ गुरु कोट्टल शिवरमन और रीता गांगुली रीता गांगुली कुछ कथकली के जो है ये बेसिकली जो नृत्य और निर्त्य है यहां पर देखो तुम ध्यान से अभी तक हमने जो भी पढ़ाया ना तुमको नजर आ जाएगा उसको देखो ध्यान से ठीक है उसके चेहरे पर देखो येल्लो कलर पोता हुआ है क्या उसके चेहरे पर देखो येल्लो कलर पोता हुआ है क्या येल्लो कलर मतलब इसके बाल देखो बड़े हैं इसके बाल देखो बड़े हैं इसने चेहरे पे येल्लो कलर पोता हुआ है और कितनी खुश होके कुछ करने की कोशिश तो येल्लो कलर पोता हुआ इसका मतलब क्या ये महिला का रोल निभा रहा है क्या ये महिला का रोल निभा रहा है और ये पुरुष है लेकिन ये तो रूठा हुआ है देखो शायद इसको मनाने की कोशिश चल रही है क्या वो महिला इस पुरुष को मनाने की कोशिश कर रही है क्या देखो कैसे रूट के खड़ा है सब है और उसको देखो ये इसको मनाने की कोशिश कर रही है तो ये एक कथकली एक प्रॉपर कथकली जो डांस है टिपिकल वो जारी है है ना अच्छा लगा चलो आगे देखो अब बात करेंगे हम लोग मोहिनीअट्टम की किसकी बात करेंगे मोहिनी अट्टम तो नाम से ही समझ में आ रहा है मोहिनी मतलब मन को मोहने वाली खूबसूरत मोहिनी मतलब मन को मोहने वाली खूबसूरत तो हो गया मोहिनी मन मोहिनी और अट्टम मतलब होता है डांस तो ये हो गया क्या मोहिनीअट्टम मतलब मन को मोहने वाला डांस क्लियर है मोहिनी अट्टम देख सकते हो ये एक तरह का सोलो डांस है अकेले किया जाता है तो सिर्फ अभी तक जो कथकली मिला था वो डुएट होता है या दो चार लोग करते हैं उससे पहले के दोनों सोलो थे और ये भी सोलो ही है ठीक है और बेसिकली ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है तो अभी तक तुमको सिर्फ एक ही डांस मिला है जो पुरुष करते थे वो कौन सा था कथकली ठीक है तो बेसिकली वाद वेलू नाम का एक आदमी था उन्नीसवीं शताब्दी में और त्रावणकोर त्रावणकोर कहां पड़ता है केरला में ठीक है त्रावणकोर कहां पड़ता है त्रावणखोर तुमको एक चीज के लिए और याद आना चाहिए तुमको आंग्ल मैसूर युद्ध याद है जितने भी लोगों ने इतिहास पढ़ा हुआ है उनको त्रावण कोर जरूर याद आना चाहिए अगर तुमने इतिहास पढ़ा है आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ा हुआ है तो तुमको यह याद जरूर आना चाहिए त्रावणकोर लिख के बताओ क्यों ठीक है तो ये त्रावण कोर की बात त्रावण कोर में बेसिकली डेवलप हुआ और वीएन मेनन जो अभी मैंने जिनको डांक टिकट दिखाया था उन्होंने भी इसको काफी रिवाइव किया है और कल्याणी अम्मा ने भी इसको रिवाइव किया ठीक है बेसिकली एक फेमनाइन डांस है और भगवान विष्णु को मोहित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को मोहित करने के लिए किया जाता है ठीक है तो बेसिकली जो डांस करने वाले लोग हैं या जो महिलाएं हैं वो बेसिकली भगवान श्री कृष्ण को मोहने वाले के लिए करते बेसिकली इसके जो मेन जो डोमिनेंस रहेगा वो किसका रहेगा अब महिलाएं कर रही हैं और किसको भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रही हैं, विष्णु के लिए कर रही हैं? तो इसमें किस चीज का सबसे ज्यादा पोर्शन होना चाहिए लस्य का फेमनाइन स्ट्रक्चर इसमें बहुत ज्यादा होगा ठीक है इसमें लस्य बहुत ज्यादा होगा लस्य क्या ज्यादा होगा लस्य ठीक तो इसमें लस्य ज्यादा हो गया आगे देखो इसमें वही ग्रेस की बातें कर सकते तुम महिलाओं को देख सकते हो ध्यान से इनके कपड़े देखो तुम ध्यान से इनके कपड़े देखो इसमें सिल्ट बने हुए हैं ये गले में वो सब चीजें पहना हुआ है सर को पूरी प्रॉपर तरीके से जो है सजाया गया है कानों में तुमको बालियां नजर आ जाएंगी कुंडल नजर आ जाएंगे ये सारी की सारी चीजें तुमको यहाँ पे बहुत प्रॉपर से तरीके से नजर आएगी ये बेसिकली किसको सिंबलाइज करता है एयर को सिंबलाइज करता है इससे पहले वाला किसको सिंबलाइज करता था कथा स्काई को सिंबलाइज करता था ये किसको सिंबलाइज करता है Air को सिंबलाइज करता है ठीक है इनके जो कुछ परफॉर्मर्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो तुम देख सकते हो ठीक है अच्छा बेसिकली इसमें तुमको भरतनाट्यम का भी थोड़ा मिक्सअप देखने के लिए मिलता है और थोड़ा कथकली का भी तुमको इसमें मिक्सअप देखने के लिए मिलता है सुनंदा नायर कला मंडलम केशव नाथ और माधुरी अम्मा और जयप्रकाश मेनन और जो ये नृत्यांगना दिख रही हैं आपको यहां पे फोटो में इनका नाम है सुनंदा नायर ठीक है चलो आगे आग बात करेंगे ओडिसी की ओडिसी उड़ीसा और ये बता सकते हो कौन है क्वेश्चन मार्क नाम बताओ इनका नाम बताओ इनका कौन है ये ठीक है देखो अब आगे उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहां हैं सबको पता होनी चाहिए मैंने आपको जो आपकी क्लास ली थी अशोक याद है तुमको धौली याद है तुमको अशोक याद है तुमको धौली याद है तुमको वो हाथी याद है तुमको वो बुद्धिस्ट केव याद है तुमको सॉरी जैन वाले जो केव हैं जो वहां पे क्या बने हुए थे विहार बने हुए थे फोटो याद करो और बताओ उदयगिरी और खंडगिरी में बेसिकली जो है इसका शुरुआत माना जाता है ठीक है और एक जो किंग थे खारवेल जैन किंग थे खारवेल उन्होंने इसको संरक्षण दिया था किसने दिया था संरक्षण एक जैन किंग थे खारवेल उन्होंने जो है इसको संरक्षण दिया था स्टार्टिंग में जो इसका नृत्य किया करते थे उसको बोलते थे महारिस तो बेसिकली ये पुरुष हुआ करते थे वो इसको किया करते थे ठीक है उड़िया वाला जो नृत्य है ये ओडिसी नृत्य है ओद्रनात्य, ओद्रनात्य नाम का एक जो नृत्य है उसका नाट्यशास्त्र में वर्णन मिलता है नाट्यशास्त्र किसने लिखी है भरत मुनि लिखी है ठीक है तो धीरे 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 जो है चीजें बदली और इसको जो बड़े स्टेज पर ले जाने वाले लोग थे वो कौन कौन थे चार्ल्स फाब्री और इंद्रानी रहमान कौन कौन थे चार्ल्स और इंद्रानी रहमान ठीक देखो यहां पे जैसे जैसे वैष्णविज्म बढ़ता चला गया ना वैसे वैसे इसमें जो 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 महारिस थे थे बड़े बड़े लोग पुरुष थे वो हट गए ठीक है उसके बाद इसमें बेसिकली जो महारिस सिस्टम था वो धीरे धीरे खत्म हो गया पहले उसको बड़े बड़े पुरुष किया करते थे बाद में वो धीरे धीरे कम हो गया ठीक है फिर छोटे छोटे लड़के इसको करने लगे है ना महिलाओं के ड्रेस पहन करके है ना और महिलाएं तो करती ही थी इसको तो उनको क्या बोलते थे गोतीपुआ जो पुरुष करते थे उनको बोलते थे महारी फिर बाद में लड़के करने लगे यंग टाइप के आपके जैसे तो उसको क्या बोलने लगे गोतीपुआ क्या बोलते थे, थे, थे उसको गोती पुआ अब इसमें देखो फेमस कौन कौन है गुरु पंकज चरण दास गुरु केलू चरण महापात्रा सोनल मानसिंह सोनल मानसिंह इंपॉर्टेंट नाम है शहरोन लोवेन यूएसए से है माइला बारवी अर्जेंटीना से इंपॉर्टेंट है ये ठीक है देख सकते हो तुम एक बार फिर से स्टेज पर देखो क्लियर है आगे देखो इसमें एक तरह का पोज बनाया जाता है इसको बोलते हैं त्रिभंग मुद्रा यह बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुमसे एग्जाम में सवाल पूछ ले कि त्रिभंग मुद्रा निम्नलिखित में से किन शास्त्रीय नृत्यों में बनाया जाता है तो उसका आंसर रहेगा उड़िया या ओडिसी ठीक है ज्योमेट्रिकल शेप्स पे बहुत काम होता है ये बेसिकली किसको सिंबलाइज करता है वाटर को किसको सिंबलाइज करता है वाटर को तो मैंने स्काई बता दिया या ईथर बता दिया तुमको वाटर बता दिया और एयर बता दिया त्रिभंग मुद्रा मतलब तीन जगह से मुड़ा हुआ पूछ ध्यान से देखना ठीक है एक दो तीन क्लियर है यहां देखो गर्दन से मुड़ा हुआ है एक यहां कमर से मुड़ा हुआ है दो और यहां घुटने से मुड़ा हुआ है यहां पैसे समझ सकते हो तीन क्लियर है तो ये क्या हो गया त्रिभुंग तीन जगह से मुड़ा हुआ पोज इट्स कॉल्ड त्रिभुंग मुद्रा ओके बाबू अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट था अभी तक जितने भी थे जितने भी हमने पढ़े पीछे वो सारे के सारे मैक्सिमम जो थे वो कब किसके थे कार्नेटिक म्यूजिक वाले थे किसके थे कर्नेटिक म्यूजिक थे लेकिन इसमें क्या है ये ऐसा पहला डांस है या शास्त्रीय नृत्य है जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के थ्रू बसता है चलता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इसमें बसता है इन सबसे पहले वाले में चलता चलता था चलता था कार्नेटिक ठीक है यह कौन सा है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वाला अब बहुत अच्छा डांस है और इसका नाम है क्या मणिपुरी ठीक है यह बहुत प्यारा डांस है इसको देखने में तुमको मजा आ जाएगा अभी पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा सबसे पहले तो तुम इनकी ड्रेस देख लो एक बार देखो सबसे पहले तुम इनकी ड्रेस देखो यहां पे क्या है ये ये नीचे कुछ ना ऐसा गोल सा पहना हुआ है नहीं मिलेगा और ये देखो क्या भगवान श्री कृष्ण का रूप कर रहा है क्या कोई व्यक्ति और ये ग्रुप डांस है अभी तक तो तुमने ग्रुप डांस देखा नहीं है सारे के सारे मैक्सिमम सोलो होते थे ध्यान से देखो ये नीचे भगवान श्री कृष्ण इनकी मुद्राएं अच्छा अब जब ये पहना हुआ है इन्होंने तो इनके पैरों की आवाज आएगी क्या स्टेज पर सवाल है चलो इन सब सवालों के जवाब हम ढूंढते हैं तो देखो बेसिकली पहले ना मणिपुर में चलता था शैव शैव है ना भगवान शिव और पार्वती वाला ठीक है लेकिन धीरे धीरे फिर वैष्णविज्म बढ़ा वह तो वैष्णविज्म जो है सेंट्रल थीम बन गया वहां का कहां का मणिपुर का वैष्णविज्म भगवान श्री कृष्ण वहां पर आ गए सेंट्रल थीम में पंद्रहवीं शताब्दी के आसपास ठीक गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका बहुत ज्यादा संरक्षण किया शांति निकेतन शांति निकेतन में उन्होंने इसको शामिल किया और इसका काफी प्रचलित किया मणिपुरी डांस को अब इसमें कुछ कुछ खास बातें यह इसकी खूबसूरती है तो इसमें जो लहंगा पहना जाता है ना लहंगा जो तुम देख रहे हो उसको कहते हैं कुमिन क्या बोलते हैं कुमिन और इनकी जो पूरी की पूरी ड्रेस है उसको बोलते हैं पटलोई ठीक है तो तुमसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित तरह की ड्रेस किसमें पहनी जाती है तो ये ऐसा ड्रेस है जिसके में ड्रेस का नाम है इसको बोलते हैं पटलोई और लहंगों को कहते हैं कुमिन और चेहरे पे देखो तुम एक ट्रांसपेरेंट चुन्नी है उसको क्या कहते हैं ओढ़नी है ना हिंदी में ओढ़नी कहते हैं या चुन्नी जो भी बोल सकते हो ओढ़नी शब्द ज्यादा अच्छा है चुन्नी मत लिखना तुम चुनरी मत लिखना ओढ़नी लिखना क्या लिखोगे तुम इसको ओढ़नी ठीक है इसको तुम लिखोगे ओढ़नी ठीक है तो ये ओढ़नी है इसके चेहरे पे ट्रांसपेरेंट और ये कुमिन है और पूरे ड्रेस को क्या बोलेंगे हम लोग पटलोई अब ध्यान से समझना मैंने तुमको भरतनाट्यम में जूम कर करके क्या दिखाया था कि पग घुंघरू बांध मीरा नाचे है ना घुंघरू दिखाया था मैंने लेकिन इसमें घुंगरू नहीं पहनते हैं। क्या होता है कि अगर मणिपुरी डांस में पैरों की आवाज आ गई मतलब डांस खराब हो गया तो इसमें घुंगरू हो ही नहीं सकता ठीक है अब आगे देखो क्या है तो ये सारी चीजें मैंने बता दी थीम बेसिकली वही धार्मिक रहती है किससे रिलेटेड रहेगी भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड रहेगी भगवान श्री कृष्ण का जीवन ही बड़ा रंगीला है बचपन से लेके जवानी तक खाली रंग ही भरे हुए हैं उसमें बचपन में शरारत जवानी के अलग तो सब चीजें भरी हुई हैं तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण हर तरफ तुमको नजर आएंगे है ना आगे देखो इसमें फेशियल एक्सप्रेशन तो होता ही नहीं होगा सिंपल है जब चुन्नी से ढका हुआ है तो फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है पैर बड़े आराम से रखे जाते हैं अगर पैर बज गया मतलब खराब हो गया ठीक है इसमें एक तरह की जो मुद्रा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बोलते हैं नागबंद मुद्रा कौन सी मुद्रा है बाबू ये देखो बचपन में नागिन है ना नागबंद मुद्रा मुद्रा इसको इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं ये नागबंद मुद्रा है नोट डाउन कर लेना ये मणिपुरी डांस में तुमको देखने के लिए मिलेगा ठीक है इसके अलावा अगर तुमसे पूछ ले कोई कि इससे संबंधित व्यक्तियों के नाम बताइए झावेरी सिस्टर्स बहुत आसान है तुमको याद रख जाएगा झावेरी तो चारों बहनें हैं नैना सुवर्णा रंजना नैना सुवर्णा रंजना और दर्शना नैना सुवर्णा रंजना और दर्शना इनके गुरु का नाम क्या है गुरु बिपिन सिंह क्या नाम है गुरु बिपिन सिंह झावेरी सिस्टर इंपॉर्टेंट है अब यहां पर देखो मैंने कौन सा बताया था नागबंद ये है नागबंद मुद्रा है ना ऐसा दो ठो बना दो इधर ऐसा नागबंद मुद्रा ठीक है तो ये मणिपुरी डांस में तुमको देखने के लिए मिलेगा अब बात करेंगे कथक वाजिद अली शाह याद है तुमको नाच गाने में व्यस्त थे तो लोगों ने राज्य ही छीन लिया सही बोल रहा हूं मैं कथक या याद आया तुमको क्या बोला मैंने अभी कितने लोग को समझ आ गया पहले तो ये बताओ। ये भी तो बताओ भी जरूरी है समझना उत्तर प्रदेश से है, है ना रासलीला है तो देखो बेसिकली क्या होता था कहानियां सुनाई जाती थी नाच नाच के ना तो उसी से आया कथा से निकला कथक ठीक है कथा से क्या निकला कथक कथक कली भी निकली है उसी से और ये क्या है कथा कथा से निकला कथक तो इसमें कहानियां सुनाने का काम किया जाता था ठीक है स्टार्टिंग में जो है ये बहुत ज्यादा तो नहीं टेंपल डांस हुआ करता था लेकिन धीरे धीरे मुगलों के समय में फिर उसके बाद जो वाजिद अली शाह को इसका जो है बहुत ज्यादा श्रेय जाता है वाजिद अली शाह को ठीक है वाजिद अली शाह को जो है इसका बहुत ज्यादा श्रेय जाता है इन्होंने इसको बहुत ज्यादा संरक्षण दिया इसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया और इसमें बहुत खोजे की है वाजिद अली शाह ने ठीक है वाजिद अली शाह ने इसमें बहुत अच्छा अच्छा काम किया ठीक है अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए क्योंकि कथक बहुत इंपॉर्टेंट है ये किसी भी एग्जाम में तुमसे पूछ जा सकता है ठीक है देखो यहां पे तो इसको रिवाइव किया किसने लेडी लीला सोखे ने बीसवीं शताब्दी के आसपास इसमें एक शब्द होता है बहुत इंपॉर्टेंट वो है जुगलबंदी जानते हो क्या जुगलबंदी जुगलबंदी क्या होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक तो एक तबला वादक होता है उसमें ठीक है और एक कथक करने वाला व्यक्ति होता है डांस करने वाला तो दोनों में क्या होता है जुगलबंदी चलती है अचानक से मान लो जो बजाने वाला है तबला उसका उसने तेज बजाना शुरू कर दिया खूब जल्दी 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 अलग अलग तरह के धुन बजाने शुरू कर दिए तो जो डांसर है वो नाचने लगा बहुत तेजी से तो अगर उसने आउट परफॉर्म कर दिया मतलब जो बजाने वाला था तबला तबला वादक से बजाने से अच्छा नृत्य कर दिया उसने तब जो तबला वादक है वो फिर धीमे हो जाएगा है ना और फिर वो बीच में तेज हो जाएगा फिर वो धीमे हो जाएगा ठीक है इससे जो लोग होते हैं ना देखने वाले वो इससे बंध जाते हैं इसलिए कथक बहुत ज्यादा लोकप्रिय है ठीक चलो तो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं इसमें स्पॉन्टेनियटी है ठीक है जो डांसर चाहे ना तो वो अपने मूव को चेंज भी कर सकता है ठीक है इसमें इनोवेशन है इंप्रोवाइजेशन है कपड़े आप हल्के कपड़े पहन सकते हो ऐसा नहीं है कि भारी भरकम बोझा पहन लो नहीं इसमें कपड़े जो है बहुत आ, देख सकते हो आप इसमें घुंगरू इंपॉर्टेंट है घुंगरू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है और इसमें देखो ये थोड़ा सा कुछ नहीं है एकदम सिंपल सा घाघरा टाइप से पहना हुआ है है ना और एकदम सिंपल है एकदम सिंपल कपड़ा है जैसा आप घर घर में भी पहनते हैं वैसा ही इसमें है तो इसमें देखो इसमें क्या लगे भाव रहेगा राग रहेगा ताल रहेगा फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा कूद कूद के डांस करते हैं ना स्लिप ऐसा डांस करते वक्त उछल के फिर स्पिन स्पिन करके फिर वो नीचे इस तरीके से उतरते हैं ठीक है थीम क्या रहेगा बेसिकली भगवान श्री कृष्ण शुरुआत में थोड़ा धीमे होता है फिर बहुत तेज हो जाता है ठीक है इसमें तुमको अभिनय नाट्य भी देखने के लिए मिलेगा फुटवर्क देखने के लिए मिलेगा ऐसा डांस करते वक्त तो उछल जाएंगे तुमने देखा होगा है ना कई बार डांस करते करते धीरे धीरे लोग उछल जाते हैं इसमें तबला नजर आएगा सितार संतूर इन सब का भी उपयोग करके परफॉर्म किया जाता है और क्या है इसमें गुंगुरु बता दिया मैंने महिलाएं क्या पहनती हैं तो लहंगा चोली है ना चूड़ीदार कमीज ये सब चीजें पहनती हैं है ना और जो पुरुष होते हैं बेसिकली वो अर्ध बदन नंगा मतलब ऊपर हो सकता है कि ना पहने कुछ भी बेयर चेस्ट रहे या धोती कुर्ता पहन सकते हैं है ना सिंपल है चूड़ीदार धोती कुर्ता भी वो लोग पहन सकते हैं ठीक है अब कुछ कुछ मैं तुमको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो तुम याद कर सकते हो अगर तुमसे याद हो जाए तो और नहीं याद हो जाए तो जय श्री राम है ना लखनऊ में नवाब अली शाह ने इसमें काम किया बहुत तो लखनऊ घराना है एक याद करो इसमें एक्सप्रेशन और ग्रेस पे बहुत काम किया गया जयपुर घराना जो बाहू थे उन्होंने इस पे काम किया इसमें लॉन्ग रिदमेटिक पैटर्न मतलब बज रहा है तबला और नाच रहे हैं लोग क्लियर है तो उस तरीके से जयपुर में काम किया गया फ्लुएंसी है थोड़ी है ना राजगढ़ घराना चक्रधर सिंह के अंतर्गत आया और इसमें बेसिकली थोड़ा म्यूजिक पे जोर दिया गया है ना बनारस का जो घराना आया वो जानकी प्रसाद के अंदर आया ठीक है और इसमें फुटवर्क पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया क्लियर है तो तुमको ये सब तो याद रहेगा नहीं कि किसने कौन सा फुटवर्क और क्या तो आपको याद रखना है लखनऊ जयपुर राजगढ़ बनारस वाजिद अली खान याद कर सकते हो भाऊजी भानुजी याद कर सकते हो चक्रधर सिंह और जानकी प्रसाद अगर ये तुम चार नाम भी याद कर लोगे तो बहुत है मोर देन सफिशियंट है इसके अलावा सवाल इसमें नहीं बनता बताओ ये कौन कौन है देखो बताओ कौन कौन है अच्छा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नाम तुमको याद होने चाहिए जैसे बिरजू महाराज लक्षुमर् सितारा देवी और दमयंती जोशी ये देखो बिरजू महाराज हैं क्या बिरजू महाराज ठीक है ये हैं बिरजू महाराज और ये मुझे लग रहा है माधुरी दीक्षित है है ना तुमको भी शायद ऐसा ही लगना चाहिए नहीं लग रहा है तो दिक्कत आप दोबारा से इसको देखिए ध्यान से ठीक है चलो बाबू अब समझो ये है सतरिया सतरिया डांस सतर्या बेसिकली था नहीं बाद में डाला गया है ठीक है सतरिया डांस ये बेसिकली आता है कहां से आसाम से कहां से आता है आसाम से ठीक है आसाम से आता है तो तुमको याद है आसाम में मैंने तुमको बताया था एक आ, पंडित जी थे जिनका नाम या संत जी थे वैष्णव संत थे उनका नाम था क्या शंकर देव उनका नाम क्या था शंकर देव वो कब के थे पंद्रहवीं शताब्दी में थे आसाम में तो उन्होंने अपना घर बनाया मजूली आइलैंड मजूली जानते हो एशिया का सबसे बड़ा इनलैंड क्या ना? द्वीप है ये ठीक है इनलैंड द्वीप है मजूली आइलैंड है ना तो यहां पे उन्होंने अपना वो बनाया सिस्टम पूरा और वहां पे उन्होंने छत्रप या शत्र बनाए ठीक है ये शत्र बनाए ठीक है शत्र ऐसे इनको क्या बोला जाता था शत्र ठीक है तो उसमें जो डांस होता था ना उसको कहा गया क्या सतरिया इसमें जो डांस होता था उसको कहा गया क्या सतरिया उसको क्या कहा गया सतरिया तो सतरिया कहां से आया शंकर देव ने जो मजुलिया आइलैंड पे जो शत्र बनाया जो लोगों के रहने वहने के लिए थे जो मुनास्ट्री थे है ना जहां पे रहते थे लोग तो वहां पे जो डांस होता था ना बेसिकली तो वहां से वो निकल के आया उसको बोलते थे सतरिया अब ये है डांस फॉर्म तुम्हारे सामने है ठीक है तो ये बोलते थे क्या इसको सतरिया भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें भी थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा मिलती है ठीक है तो स्टार्टिंग में ये जो मेल थे मेल मॉन्क्स क्योंकि अब भैया वहां रहेगा कौन मेल ही रहते थे तो वो उसको करते थे और उसको बोलते थे क्या भोकोट भोकोट या भोकत जो भी याद कर सकते हो याद कर लो है ना भोकत उनको क्या कहते थे भोकत ठीक है और आज के समय में बेसिकली ये दो पार्ट्स में है एक का नाम है ज्ञान नाच और दूसरे का है खम नार नाच खर मनार नाच तो दो पार्ट्स में बदल गया है ज्ञान भयानार नाच और खर मनार नाच देख सकते हो यहां पे कैसे है सर पे टोपी पहनी हुई है छोटी छोटी सी ये पुरुष है बेसिकली ये पुरुष है महिलाएं नहीं है पुरुष है ठीक है चलो तो देखो है तो अभी बहुत सारे मैं तुमको दिखाता हूं अब इसके बाद रह गए हैं फोक डांसेस ऑफ इंडिया ठीक है इसके बाद क्या है फोक डांसेस ऑफ इंडिया है और ये बहुत सारे हैं जैसे छऊ है तो छऊ के बारे में हम चर्चा करेंगे किसी दिन ठीक है इसके अलावा और भी फोक डांस हैं जैसे कालबेलिया डांस है कालबेलिया बताओ कहां होता है कालबेलिया राजस्थान में होता है ठीक है तो हम बात करेंगे इन सबके बारे में लेकिन आज नहीं करेंगे ऑलरेडी हम लोग थोड़ा समय हमारा क्रॉस हो गया है एक घंटे के लेक्चर अभी एक डेढ़ घंटे का और बचा हुआ है एक घंटे का बचा हुआ है तो हम किसी और दिन इसको कर लेंगे फोक डांसेस ऑफ अच्छा जिन लोगों अन अकेडमी नहीं ज्वाइन किया भाई कर लिया करो है ना समय बर्बाद मत करो मेरा जीवन का बस यही एक मकसद है आपको समझाना कि समय को बर्बाद मत करना सात हजार पांच सौ साठ रुपए फीस है दो साल की तो इसको करोगे एचकेटी लाइव लगाओगे टेन तो परसेंट का आपको डिस्काउंट मिलेगा खुद भी लगा सकते हो दूसरों को भी आप बता सकते हो ठीक है चलो जिन लोगों को कोई डाउट है तो वो इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो आप इस पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और सवाल भी आप पूछ सकते हैं कोई डाउट है आपको तो आप इसको पूछ सकते हैं और इस पर पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं किसी का कोई सवाल जवाब है तो वो तुम मुझसे पूछ लो हम उसका जवाब आप दे देंगे तुमको थीके? सर आप कहां के रहने वाले ये कौन सा सवाल है इसमें क्या डाउट है कि मैं कहां का रहने वाला हूं मैंने बोला डाउट पूछना है कुछ सवाल है क्या किसी का किसी किसी का कुछ सवाल हवाल है तो तुम पूछ लो मेरे से ऐसे भी गवर्नमेंट तो कर ही रही है टाइम बर्बाद एक वैकेंसी पूरा करने के लिए तीन से चार वर्ष लगा रहे हैं देखो अभी ना तुम्हारे पास बहुत बड़ा मौका है क्यों क्योंकि कोरोना के बाद आएगी वैकेंसी बड़ी वैकेंसी आएगी पीएससी की है ना सरकार को चाहिए वैकेंसी सरकार को मजबूरी है वैकेंसी देना तो अभी आने वाले समय में ना तुम्हारे पास बहुत चांस है क्या क्वालिफाई करने का ठीक है तो इसलिए मैं बोलता हूं आपको समय बर्बाद नहीं करना है टू ज्वाइन इट है ना कुछ का सवाल है तो जल्दी पूछ लो क्योंकि ऑलरेडी वी आर मोर देन वन आवर है ना तो एक घंटे से ज़्यादा हो गया है सवाल पूछना है किसी का इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैंने पढ़ाया हो उसमें आपको कोई डाउट आया तो यू कैन डायरेक्टली आस्क कुछ और सवाल हो सकता है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो एक दो मिनट का हमारे पास समय है ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस लिखते रहो कॉपियाँ तो चेक होती रहती हैं लिखते रहो तुम बता दो दी कॉपी तो चेक होती रहती है लिखते रहो तुम तो मुझे लगता नहीं है किसी को कोई डाउट आउट है ठीक है बाकी जो लोग नए हैं तो यू कैन नोट डाउन दिस नंबर यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल ठीक है क्लोज करें ठीक है क्लोज कर रहे हैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी इंटरेस्टिंग लगी होगी और कुछ सीखा होगा आपने है ना और देखो जो भी मैं क्लासेस ले रहा हूं बेसिकली दिज आर फॉर मेंस प्री तो हम मान के चलते हैं कि निकल जाएगा प्री को आपको लेना ही नहीं है लोट है ना अगर आप मेन्स और डिटेल में अच्छे से पढ़ रहे हो तो मैं मानता हूं कि आपका प्री निकल जाएगा प्री के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है प्री के लिए आप समय नहीं बर्बाद करेंगे मैं एक बार फिर बोलूंगा प्री आपका निकल जाना चाहिए बाय डिफॉल्ट है ये थोड़ा सा मेहनत करना है आपको प्री के लिए ठीक है मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो अन अकेडमी ऐप पर मिलेंगे शाम को साढ़े सात बजे और एक चीज और बताना चाहता हूं जो बच्चे पूछ रहे थे कि बैचेज कब स्टार्ट हो रहे हैं तो बैचेज एवरी मंडे स्टार्ट हो रहे हैं ठीक है बैचेज जो शुरू हो रहे हैं एवरी मंडे नए बैचेज एवरी मंडे स्टार्ट हो रहे हैं है ना तो आप लोग कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करने का हेडक नहीं है कि कब नया बैच आएगा कब मैं ज्वाइन करूंगा नहीं आप आज कल परसों जब मन में आए तब ज्वाइन आप कर सकते हो मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो